स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पत्थर गिरजाघर के समीप बिशप जॉनसन स्कूल के बगल बने प्रॉपर्टी ऑफिस की दीवार पर बमबाजी की गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बम की आवाज सुनकर आसपास के लोग ऑफिस से बाहर निकल आए और बम की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर, साथ ही दो युवकों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है। स्कूल के बच्चे जो है उस साइड पर आते हैं और यहाँ दीवार पर दो बम मार के इधर से भाग जाते हैं। कितनी देर पहले घटना है? करीब एक घंटा पहले। क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? हम उधर उधर खड़े थे, उधर से आए ऑफिस का अपना दरवाजा खोले तो वो लड़के उधर किसी को ललकार रहे थे, गाली बक रहे थे, तब उन्होंने अपने बैग से निकाला और इधर जो दो बम। बता दें कि सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर के समीप बाइक सवारों ने किसी युवक का मोबाइल फोन छीन लिया। थोड़ी देर के बाद स्कूली छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद और गाली गलौज शुरू हो गया। देखते ही देखते छात्रों ने स्कूल के बगल बने भूमि खरीद फरोख्त के ऑफिस की दीवार पर दो बम चला दिया। बम चलने की जानकारी पर सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की जांच कर स्कूल में भी पूछताछ शुरू कर दी। इस मामले में दो युवकों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है।